मेरे को जो है मेरा भाई और उसके भाया जो है ना कल वो तुम्हारे मस्जिद से निकलते की 6-7 जने मिल के जो ना ट्रांसफार्मर के लाइटा बंद कर लिया, मेरे को घसरने देते हुए लेके आके एक जना गर्दन पकड़ लिया, एक जना पैरा खींच दिया, एक जना मुसलिया को आने नहीं दे रहा खरीफ में, मेरे को बहुत मारे, मार के मेरी हालत वो कर दी है। हो गया भाई, हॉस्पिटलाइज हो गया, मेरी जान का धोखा है, मेरे को कभी भी मार सकते हैं लोग। आप वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने उनके ऊपर मारा है, उनको कुछ 4-3 जनों को मारा लगे, टाके वगैरह लगे हुए हैं। मेरी हालत वो थी नहीं मारने की, मैं कहाँ से मारूंगा, मैं जैसा मस्जिद से निकला निकलते ही जरा मेरी मुंडी दबोच लिया, कि ना पैरा खींच लिया, 4 जने 6 जने मिल गए मारा, प्री प्लान पूरा था ये किस्सा। मेरे को उतना आइडिया की और मैं रोजे की हालत में मैं इफ्तार करके नमाज छोड़ के बस घर को जाके खा लूँ, मेरे पास कुवत ही नहीं है जहाँ मारूंगा मैं। और वो जो मेरे को ए सी पी साहब SI साहब पे पूरा भरोसा है, मेरे घर का DVR लेके गए जो ऑन है, ये लोग समझे कि ये ऑफ हो गया, ऑन है, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में भी पूरा मालूम हो जाएगा कि मैं मारा या वो लोग मारे। मैं ये हरकत करना रहता तो 3 महीने पहले कर सकता था, मेरे ऊपर इल्ज़ाम, मेरे ऊपर 4-4 FIR, उनके ऊपर 4-4 FIR है, मेरे घर पे अटैक करें, मेरे बच्ची के गैर ज़रूरी बात करें, मेरी गाड़ी का एक ज्वेलरी का FIR, 3 GD एंट्रीज हैं, एक मेरी गाड़ी मम्मी के नाम पे जो थी बुलेट वो लेके जाके कलर बदला के मार्केट में 50,000 या 60,000 रुपए में बेच दिया। कौन करे ये सब? ये सब वजाहत, उसका बाबा मेन प्लानर, उसका बाबा, उसके बाद जो है बेटे पूरे उसकी फॉलोअर्स हैं। जैसा एक ज़माने में 92 में रोडी शीटर था, मेरे वालिद बड़े उससे उसको निकाल के करके लाए, आज वही 30-35 साल के बाद फिर वही बच्चों को भी रोडी बनाना चाह रहा उन्हें। और जो है और बाप के नक्शे कदम पे निकल गए वो लोग, अब कोई पीछे आने का सवाल नहीं है, और वो रो इंशाल्लाह अल्लाह देखेंगे, अल्लाह की ज़ात पे मेरे को उम्मीद है। मैं मिसेस जफर अहमद सिद्दीकी हूँ, मेरे शौहर को जान का खतरा है, कल जानलेवा हमला करे 5-6 जने उन पर, प्रीमियर हॉस्पिटल में उन्हें सीरियस है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करती हूँ, तेलंगाना पुलिस से गुजारिश करती हूँ कि इंसाफ दिया जाए, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड को प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि कल जो हमला करने से वाला जो एक भतीजा है उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाए कि मैं धंधा करने वाली हूँ, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, जबकि मैं एक हज दो हजा करी से हूँ, मैं मेरे शादी को 24 साल हो गए, मेरे 5 बच्चे हैं, बेटियों के ऊपर भी मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई, इससे पहले शीटिंग वाले मेरी बच्ची के आईडी हैक करने के इल्ज़ाम में उनके बेटे को, छोटे बेटे को अनस को अरेस्ट करे थे, उसको रिमांड में लिए थे, ये सब देखते जानते बूझते भी मैं पुलिस वालों से भी गुजारिश करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। राजेंद्र नगर PS और शमशाबाद साइबर PS से भी गुजारिश करती हूँ और CBI से भी गुजारिश करती हूँ कि मेरे साथ तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना गवर्नमेंट इंसाफ करे। ये हमला क्यों हुआ हमारे? ये हमला प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है, जबकि ये इसका 45 डेज के लिए टाइम लिया गया था, फिर भी ये जानबूझ के आते को जाते को छेड़ना, आते को जाते को, हम लोग ऊपर, ये लोग हमारे 5th फ्लोर पर रहते, हम लोग 4th फ्लोर पर रहते, हम लोगों को ये टॉर्चर 1.5 ईयर से 1.5 मंथ से हो रहे हैं, जब से रमज़ान हुए, जब से स्टार्ट तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है आने जाने का। इससे पहले मेरे बेटे पे हमला करे उसके एविडेंस है, फिर आप कल मेरे शोहर पे हमला करें उसका भी एविडेंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहाउद्दीन उर्फ जफर अहमद सिद्दीकी है। हमारे वालिद साहब के ऊपर कल जानलेवा हमला किया गया, वो नमाज़ को जा रहे थे, नमाज़ को जाके उन्होंने आ रहे वापस, नमाज में 2nd रकात में जंक्शन बंद किया गया, फिर उन्होंने जैसा आते ही वापस उनके ऊपर 4-6 जने मिलके हमला करे, 2 जने हाथा पकड़े, 2 जने पावा पकड़े, अकेले आदमी के ऊपर 6 जने भारी पड़े,
उनको खूना खून करके हमारे वालिद साहब को पूरे भाग गए वहाँ से। वो लोग क्या करें, ट्रांसफार्मर बंद करें, मगर बिल्डिंग पे से ट्रांसफार्मर ऑन था, पूरे कैमरे में वीडियोस आए वो लोगों के मारे से, मार के भाग के जाके अपने आप को खूना खून कर लिए, कर लेके ये बोल रहे कि वो लोग भी हमको मारे। ये गलत बात है। मैं हुकूमत तेलंगाना से यही चाहता हूँ कि मेरी सेफ्टी, मेरे भाई बहनों की सेफ्टी, हमारे वालिद साहब की सेफ्टी, हम सबको सेफ्टी चाहिए। आप सभी तेलंगाना हुकूमत से यही गुजारिश है कि आप सब हम लोग की हिफाजत करें। और एक आप पे इल्ज़ाम लगाया, और ये हमारे वालदा है, इनके ऊपर बुरा इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये बच्चलन है। ये हमारे वालदा है अल्हम्दुलिल्लाह, इनके पास निकेनामा है, सब है, आप सब जने देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत बात और गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आप हुकूमत तेलंगाना से यही गुजारिश है, अभी एक एलिगेशन लग रहा है कि आप लोग आप फर्जा करें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ACP साहब के पास कॉन्ट्रैक्ट बना था कि 45 डेज के दिन वो लोगों को वापस मिल जाएगा, उन लोगों को 2 करोड़ रुपये दे दिया जाएगा, बल्कि हमारे पास एविडेंस है, उन लोगों को बोल दिए थे। ACP साहब अब फिलहाल अमेरिका गए हुए हैं, वो लोग ये हरकत कर दिए हम लोगों के साथ। अब फिलहाल हम लोगों को जान का खतरा है। आप सभी से गुजारिश है कि हम सबको प्रोटेक्शन दीजिए। कैसी है अभी? अभी हमारे वालिद साहब की तबीयत बहुत सीरियस है, उनका 5 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, 50 टाँके हैं उनको सर में, अभी बहुत सीरियस है। आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ के लिए भी गुजारिश है। सिद्दीकी, मेरे बच्चे का नाम मुजफ्फर अहमद सिद्दीकी, कल जानलेवा हमला हुआ है मस्जिद में। मस्जिद की जब मगरिब की नमाज़ पढ़ कर बाहर निकलते चाहे पूरा इलेक्ट्रिसिटी से शट डाउन होगा, होने के बाद चारों 6 आदमी मिलकर उसको मारे। सुनने पर पहला रौड़ी शेरर है सलमान और दूसरा है जुबैर, जो जुबैर जो है मंगल हाट का रोडर शीटर है, पूनी है, उसका बेटा मुजम्मिल, सब मिलके ऐसा मारे, वजाहत इतना मारे कि नाक मुंह से खून निकल गया। और निकलने के बाद और बोले कि अब होना हमारा हिस्सा कहेगा है साहब, सब बंटवारा होगा। बच्चा मेरा बिल्डर है, बिल्डर वो कमाया, उन्हें कमाई जिसकी कमाई देखी नहीं जा रही, उसको बोल रहा कि मेरे को भी दियो। कई दिन से उसका पीछा पड़े हुए थे, गाड़ी जा रही थी तो घेर लिए, टप्पा चबूतरे पे घेर लिए, वहाँ अलग फसाद मचा दिए। तेलंगाना से ये गुजारिश है मेरी। साहब आप ये बोलिए, मारेसो वाले कौन हैं और उनके नाम क्या है? मारेसो वाले हैं जुबैर, वजाहत और अनस, ये सब आपस में भाई भाई पोतरे हैं, मेरे पोतरे हैं ये। तो ये प्रॉपर्टी है आखिर किसकी? प्रॉपर्टी है जफर अहमद सिद्दीकी की प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है। घर में बेचारे बाहर काम कर रहे थे तो घर में ला के रखे, तो घर पे भी कब्जा होगा। कब्जा होने के बाद निकलो। प्रॉपर्टी है कितना गज पे? ये प्रॉपर्टी है भाई, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट दिए उनको रहने के लिए, वो भी ले लिए, फिर अब 600 गज जमीन थी, जमीन पे भी कब्जा कर लिए। बोले कि अब नहीं देते हम हिस्सा, इसमें हिस्सा होना। हम बोले कि देंगे थे उधर इधर जाके आदमियों को बुलाना, मारने लगाना, घेरा डालना। अगेंस्ट वाले बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी उनके बाबा उनके बड़े भाई के नाम पे कर दी है। नहीं, इस हिसाब से अटैक कर रहे हैं उनका ये बयान। मैं खुद जफर अहमद का वालिद हूँ, जुबैर का भी वालिद हूँ। प्रॉपर्टी है जफर अहमद की, जफर अहमद कमाए सो है वो, उसमें क्या करे। आ रहे हैं कि मेरे को आधा, उसमें आधा हिस्सा देना, क्यों दे ना भाई, कमाया उन्हें देव तुम्हारे को। उससे लड़ना झगड़ना, मारम तोड़ी करना, उसके अगेंस्ट में फिरना, पीछे पीछे जाना, उसके इतना तंग कर दिए उसको। तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे आप? रजिस्ट्रेशन है किसके नाम पे? जफर अहमद के नाम पे ही है, पूरी प्रॉपर्टी जफर अहमद के नाम पे ही है। तो आप ना करे लैंड गार्ड केस कुछ तो करे होंगे ना, जब आपको हरासमेंट हो रहा है। हरासमेंट खाली जाके बैठ गए उन्होंने वहाँ पे, बैठने के बाद पुलिस में ये तो खामोश, पुलिस वालों को खिला दिए, खामोश बैठ गए। पुलिस एक सिंगल पैसे का भी मदद नहीं करी, हालांकि इतना मोह बंद कर दिया उन्होंने पैसा से। आप केस करें किधर? ये राजेंद्र नगर। और जबकि बैंक में हमारा कुछ जेवर रखा है लॉकडाउन की तरफ से, तो 33 तोले 33 तोले सोना
उसके पास रस्सी थी, हम लगाए थे तब बच्चा अपना था उसके रखा है, तो लग जा के वो 33 तोले सोना निकाल के लग जा के भेज दिया। चलिए ठीक है, थैंक यू।